आज हमारे बीच बहुत ही जाने मानी गायिका सुनंदा शर्मा जी उपस्थित हैं। सुनंदा जी का जन्म पठानकोट के पास दाह नामक जगह में हुआ और 4 साल की उम्र में अपने पिता पंडित सुदर्शन शर्मा जी से आपने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। बाद में आपने संगीत में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और मास्टर्स पंजाब विश्वविद्यालय से भारतीय शास्त्रीय गायन में किया, जिसमें आपको स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। बनारस घराने की प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी जी ने उन्हें जालंधर के हरिवल्लभ संगीत समारोह में देखा और उनके गायन कौशल से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने सुनंदा जी को अपने संरक्षण में ले लिया। अगले 9 वर्षों में गुरु गिरिजा देवी जी ने शिष्या सुनंदा शर्मा को संगीत की दृष्टि से एक कलाकार के रूप में विकसित होने में मदद की, जिसमें उनकी गायकी में शास्त्र और भाव पक्ष का उत्तम मिश्रण पैदा हुआ। गिरिजा जी के अनुसार उनकी विरासत को सुनंदा जी द्वारा गाई गई ठुमरी, चैती, कजरी के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उनकी अपनी तान पर एक अद्भुत नियंत्रण है। सुनंदा जी ख्याल, टप्पा, ठुमरी, दादरा और चैती में महारत हासिल कर चुकी हैं और आपने पंजाबी और हिमाचली लोक और विभिन्न शैलियों को भी शास्त्रीय संगीत में समाहित किया है। आपने देश विदेश में कई जगहों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, जिसमें जर्मनी, बेल्जियम, यूके, यूएसए, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन। आपकी एकल एल्बम्स धरोहर, स्वर संचय और सुर गंगा बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। सुनंदा जी के साथ आज जो संगत कलाकार हमारे बीच हैं, वो भी अपने आप में बहुत ही जाने माने नाम और प्रसिद्ध कलाकार हैं। आपके साथ तबला पर संगत करेंगे मिथिलेश झा जी, हारमोनियम पर पारोमिता मुखर्जी जी और तानपुरे पर होंगे नितिन शर्मा और अमित रतोड़ी जी। तो बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हम स्वागत करेंगे सुनंदा जी का और उनसे आग्रह करेंगे कि वे कृपया मंच पर आएं और कार्यक्रम का आरंभ करें। सुनंदा शर्मा जी। रीच विरासत में फिर से आकर बहुत प्रसन्न हूँ। थैंक यू श्री राजीव सिंह जी, आर के, जिनको सब कहते हैं। थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ब्यूटीफुल बिग फेस्टिवल। इस एरिया के लिए ये फेस्टिवल क्लासिकल म्यूज़िक और जॉनर के जो म्यूज़िक हैं उनको बढ़ाने के लिए और परिचित कराने के लिए बहुत बड़ा एक काम कर रहा है। आपको मैं बधाई देती हूँ इसके लिए। अपनी तरह का एक अलग माहौल होता है जब हम विरासत में आते हैं। हर तरह की विरासत यहाँ है, चाहे वो कारीगरी हो, संगीत हो, और सुनकार भी हर तरह के आते हैं। सुंदर सुंदर कलाकार यहाँ परफॉर्म करके गए और भी आगे परफॉर्म करेंगे। आज मैं अपनी हाजिरी बनारस घराने की कुछ विधाओं के साथ और शायद फिर कुछ पहाड़ की तरफ की चीज़ भी सुनाकर अपनी हाजिरी लगाऊंगी। I feel so honored to have such fine audience sitting in front of me. संगीत के मर्मज्ञ, जो कि स्पोर्ट्स में तो बहुत बड़ा नाम है, राजा रणधीर सिंह जी, लेकिन संगीत के भी आप बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं, आप बैठे हैं। इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव यू इन द ऑडियंस। रानी विनीता सिंह जी, ग्रेट म्यूजिक लवर, और भी मैं देख रही हूँ मोहन कंडवाल जी बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं जो कि संगीत के रसिक हैं। आज की सभा में मैं जब सोच रही थी कि क्या गाया जाए, तो बहुत ही सुरीली कलाकार जिनको आप सुन रहे हैं बहुत दिनों से, परोमिता मुखर्जी जी, तो उन्होंने बोला कि कुछ रेयर राग गाइए, तो इनकी फरमाइश
पर मैं राग पूर्वी सुनाऊंगी। इसमें थोड़ी देर के लिए पहले बड़ा ख्याल फिर छोटा ख्याल प्रस्तुत करूंगी। उत्तराखंड देहरादून जगह है जहाँ कुदरत अपने चरम पे है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये जो कंपोजिशन है, पहली कंपोजिशन, वो नेचर पे ही है कि जब फूल खिलते हैं तो भंवरा किस तरह से आके फूलों का रस लेता है। उसका दूसरी तरह से हम भगवान कृष्ण पे भी उसको सोचा गया है। आयो भंवरू रस ले गयो माई, कलियन को मुख चूम चूम। उसके बाद छोटे ख्याल के बोल होंगे। आज मोरे घर काज करिहो आनंद बधावा, जो कोई प्यारे को ले आए तो मैं जानू लाखन पाए। आज मोरे घर काज। ग्रेट ऑनर टू हैव पंडित मिथिलेश कुमार झा जी ऑन तबला। पूर्णिमा मुखर्जी जी ऑन हारमोनियम। श्री अमित एंड नितिन शर्मा यहीं से तानपुरे पे मेरा संगत कर रहे हैं। मैं सुनंदा शर्मा, आप सबका प्यार, पीछे बहुत यंग लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बनारस घराने की विधाएं और थोड़ा थोड़ा जहाँ मेरा जन्म हुआ है हिमाचल, वहाँ से भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी, मैं पहाड़ में आई हूँ तो पहाड़ की चीज़ें भी थोड़ी बहुत बाद में मैं सुनाऊँगी, थोड़ी थोड़ी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, उसके बाद जैसी रुचि होगी, जैसे समय होगा, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद। कम करिए मॉनिटर में।
रास्ता ले
Bye.
मोरे घर राजा आज मोरे घर
जो कोई प्यार
मोरे ग